तो शुरू करते एक नए सीरीज की। ये सीरीज है मेरा थाईलैंड का। मैं जा रहा हूँ थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा वीज़ा ऑन अराइवल का बेनिफिट थाईलैंड में कैसे लिया जाए। एक्चुअली हम इंडियंस का वीज़ा ऑन अराइवल है थाईलैंड में, और खुशी की बात यह है वीज़ा ऑन अराइवल हमारे लिए अभी फ्री है 31 अक्टूबर तक। लेकिन ये जो वीज़ा ऑन अराइवल एक्सटेंशन है वो 31 अक्टूबर से फिर अप्रैल तक आ गया है, 31 अप्रैल तक, यानी 31 अप्रैल 2020 तक आ चुका है। पिछले कुछ सालों से हम इंडियंस का बैंकॉक में टूरिस्ट ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है इस वजह से ही सेवा फ्री कर दी गई है इंडियंस के लिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपना रिटर्न टिकट इंडिया तक का रखिए, और 20,000 बात अपने पास रखिए, या फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपने पास रख सकते हैं, अपना पासपोर्ट और एक फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो का मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट 3x5 है उसका मेज़रमेंट, जिसका बैकग्राउंड वाइट रहेगा और 80% फेस रहेगा। ये थाईलैंड एक्चुअली मेरा अनप्लान ट्रिप है। मैंने इस ट्रिप को एक्सटेंड किया है। मेरा फ्लाइट डायरेक्ट, मेरा प्लान इंडिया जाने का था, तो मेरा ले ओवर बैंकॉक में 2 घंटे का था और मेरा फ्लाइट का टिकट 9,000 का था। लेकिन मैंने सोचा जब बैंकॉक में मुझे स्टे करना ही है, ले ओवर 2 घंटे का है, तो क्यों ना बैंकॉक में 2 दिन बिताया जाए, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल बैंकॉक का वीज़ा हमारे लिए फ्री है, तो इसका एडवांटेज लिया जाए। तो मैंने फिर चेक किया सीएम रिप से बैंकॉक का और बैंकॉक से इंडिया का, तो दोनों मिलाकर मेरा प्राइस पड़ा है 8,000, जो कि, और मैं डायरेक्ट सीएम रिप से इंडिया का ले रहा था तो मेरा 9,000 पड़ा था, जो कि 1,000 और कम पड़ रहा है। तो मुझे ये डील काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसी डील को चूज़ किया। इसमें दो मेरा एडवांटेज मिला। पहला एडवांटेज ये कि मुझे थोड़े से पैसे कम भी देने पड़े, और दूसरा मैं बैंकॉक में 2 दिन स्टे भी कर पाऊँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ फ्लाइट में, और फ्लाइट में मुझे ये इमिग्रेशन फॉर्म मिला है। इस इमिग्रेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, ये अराइवल कार्ड। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जाना होगा वीज़ा ऑन अराइवल पे इस अराइवल कार्ड को लेकर, फिर आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस शुरू होता है। और ये है मेरा फ्लाइट। तो मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँच गया। ये है वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म है। वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म को यहाँ से निकालिए और फिलअप कीजिए। यह है वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म। एक फ़ोटो ले लीजिए और नाम वाम सारा आपको फिलअप कर लीजिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस में सिर्फ 20 मिनट लगे, और उसके बाद मैं आ गया हूँ एग्ज़िट पे एयरपोर्ट के अब दूसरे कोने में, जहाँ से हम सारा बस टैक्सी हमें मिलेगा। यहाँ से आप टूरिस्ट सिम कार्ड भी ले सकते हैं। यहाँ आसपास में ये वो एरिया जहाँ से आप टूरिस्ट सिम कार्ड ले सकते हैं और टैक्सी सर्विस ले सकते हैं। और शहर के अगर दूसरे कोने में जाना है या शहर के अंदर जाना है, तो उसके लिए भी आपको यहीं से टैक्सी और यहीं से बस पैर। ATMs भी यहाँ पे हैं, जिससे आप अपने यहाँ के थाई बैट में करेंसी में एक्सचेंज करके निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड ATM यूज़ कीजिए, और यहाँ का जो लोकल करेंसी है उस लोकल करेंसी में ही एक्सचेंज होकर पैसा निकलेगा। तो अपने इंडिया जैसा है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेंगी। 4G नेटवर्क है, 170 बात में मिल रहा है। 170 बात यानी हमारा 360 रुपया, वही 360-370 रुपये के आसपास, जिसमें 4G सिम कार्ड मिल रहा है। और भी बहुत सारे हैं सिम कार्ड ऑपरेटर। ये है बैंकॉक का दूसरा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम है डॉन मियांग एयरपोर्ट, और पहला एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। मेरा पिछला जो फ्लाइट था वो स्वर्णभूमि से ही था। इस बार वह
where can I get the bus for Mochi? Exit number 6. Exit number 6? Okay. Is there? Is there? हमें जाना अभी पट्टाया और एक टूरिज़म ऑफिस है, टूरिज़म एंड स्पोर्ट्स। तो किसी भी तरह का आपको अगर कंफ्यूजन है या हेल्प लेना है तो टूरिज़म काउंटर पे जाइए और अपने कंफ्यूजन और अपने सवाल को पूछिए, तो आपका सही सही जवाब मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी पट्टाया का डायरेक्ट बस नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं पट्टाया, बट डायरेक्ट सेवा यहाँ से नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मुचित बस स्टैंड। मुचित एक वन ऑफ द बिगेस्ट बस स्टैंड, बस स्टेशन इन थाईलैंड। तो हम मुचित की तरफ बढ़ रहे हैं और मुचित बस स्टैंड जाने के लिए हमें जाना होगा एग्ज़िट नंबर 6। एग्ज़िट नंबर 6 से बस मिलेगी, फिर हम पहुँचेंगे मुचित। लाओस, साउथ कोरिया, ये कुछ कंट्रीज़ है मुझे जो अभी करना है। और बाकी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो सारा मैंने एक साल के अंदर कंप्लीट कर लिया है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, और ये सारी कुछ कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशिया में। ये है मेरी बस जो आ रही है A1। A1 से मुझे भी जाना है मुचित। हम पहुंच गए हैं मुचित बस स्टेशन। अब हम यहां से एक टिकट लेंगे पटाया के लिए।